Now the third rule is with a plural noun not ending in s, we use an apostrophe and s. Earlier rule we saw that the plural noun which were ending with s, we added only an apostrophe to show its possessive. But now when the plural nouns which are not ending in s, we will use both apostrophe plus s. So children. This particular noun is in plural form but does not end in s. Okay, so therefore we will add apostrophe plus s. Children, children's. Then second example is women. Now this noun also is in plural form but does not end in s. So we will add here apostrophe s. Women's. We sometimes add an apostrophe to a singular noun ending in s. स्पेशली ओल्डर एंड फॉरेन नेम्स. हम कभी कभी क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी ऐड करते हैं सिंगुलर नाउन्स को जो एस से एंड करते हैं, स्पेशली जो फॉरेन नेम्स होते हैं जैसे आर्किमेड्स, तो आर्किमेड्स लॉ. ओके, बट एपोस्ट्रॉफी एस इज मोर कॉमन. लेकिन ज्यादातर एपोस्ट्रॉफी एस है वो ज्यादा कॉमन रहता है. डिकेंस नॉवेल, दास कार. इन केसेस सच एज दिस वी एड एपोस्ट्रॉफी एस टू द लास्ट वर्ड. अगर ऐसे केसेस होते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लास्ट वर्ड में एड करते हैं. जैसे ब्रदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो हम ऐसे करते हैं. माय ब्रदर इन लॉस फ्लैट. ब्रदर्स इन लॉ नहीं करते हैं, ब्रदर इन लॉस करते हैं. वी कैन एड एपोस्ट्रॉफी टू अ फ्रेज विथ एंड. अगर एंड है तो भी हम एपोस्ट्रॉफी एड करते हैं लास्ट फ्रेज में. आनंद एंड विनोद, तो आनंद एंड विनोद बुक शॉप मीन्स इन दोनों का बुक शॉप. दिस इज मच मोर यूजुअल देन आनंद एंड विनोद बुक शॉप. ये ज्यादा यूजुअल है. द अबव फॉर्म इज समटाइम्स प्रिफर्ड व्हेन डिफरेंट थिंग्स बिलोंग टू डिफरेंट पीपल. ये जो सारी चीजें हैं तभी यूजफुल होती है जब अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों को बिलोंग करती है. जैसे लीलास एंड एनिस बुक्स, इन दोनों की बुक्स है. वी नॉर्मली यूज द पोजेसिव एपोस्ट्रॉफी एस फॉर पीपल एंड एनिमल्स. हम ज्यादातर एपोस्ट्रॉफी एस लोगों के लिए और एनिमल्स दोनों के लिए यूज कर रहे हैं. जैसे मैरीज बैग, नॉट नोट नॉट द बैग ऑफ मैरी. बैग मैरी का बैग, मैरी का बैग, बैग ऑफ मैरी नहीं. मिस्टर सिंह्स हाउस, सिंह का हाउस, हाउस ऑफ मिस्टर सिंह नहीं यूज करते हम, राइट. The cow's milk, cow का milk. We do not